हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सबको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि हमारे हाइपर ओएस में जो लॉक स्क्रीन और एओडी में जो कस्टमाइजेशन मिलता है और पिक्सल के एंड्रॉइड 14 में जो लॉक स्क्रीन और एओडी में कस्टमाइजेशन मिलता है वो किससे क्या देखने को मिलता है, क्या कस्टमाइजेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट या सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है हाइपर ओएस में, और जो भी कस्टमाइजेशन आप लोगों को पसंद हो आप लोग यहाँ पर सेट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद डन कर देना है, अप्लाई कर देना है और सेम प्रीव्यू आप लोगों को आपके लॉक स्क्रीन और एओडी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। तो ये है हाइपर ओएस और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर सेटअप करने के लिए आप लोगों को अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना है, फिर चले जाना है वॉलपेपर स्टाइल में, वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को लॉक स्क्रीन पर चले जाना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रीव्यू देखने को मिल जाते हैं क्लॉक की। और उस प्रीव्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर आप लोग को साइज और कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे करेंगे हम लोग तो लॉक स्क्रीन पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे कि लॉक स्क्रीन में यहाँ पर कस्टमर से मिलता है, लेफ्ट स्वाइप करेंगे, राइट स्वाइप करेंगे, तो लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमें ये सारे कस्टमर से मिलता है हाइपर ओएस में, और यहाँ पर कैमरा मिलता है। वहीं पर हम लोग यहाँ पर इस वाला ऑप्शन में ना यहाँ पर पिक्सल बाजी मार जाता है, तो शॉर्टकट में जाएंगे हम लोग तो आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहेंगे तो नन कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी आप लोग यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ से कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो जो शॉर्टकट की कस्टमाइजेशन है उसके लिए मैं पिक्सल को विनर ठहराता हूँ, बट जो कस्टमाइजेशन हमें लॉक स्क्रीन और एओडी में मिलता है और उसकी जो सेटअप वगैरह मिलता है तो वो सब कुछ आप लोगों को हाइपर ओएस में देखने को मिलता है। ओके गाइस, इसमें आपको देखने को मिलता है पिक्सल, और यह पिक्सल का जो एंड्रॉइड 14 वाला लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की आप लोगों को कस्टमाइजेशन पिक्सल वाले फ़ोन में देखने को मिलता है। जब आप लोग अपने फ़ोन को लॉक करेंगे तो आपको एओडी में कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में हाइपर ओएस देखने को मिलता है, जिसे मैं अपने रेडमी K20 प्रो में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी रेडमी K20 प्रो में हाइपर ओएस को यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हाइपर ओएस में हमें लोकेशन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो अगर हम अपने फ़ोन की लोकेशन में जाते हैं और इस पर लॉन्ग टैप करते हैं तो कस्टमाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर उससे पहले अगर मैं आपको एनिमेशन वगैरह दिखा दूँ यहाँ पर तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग को एनिमेशन लॉक स्क्रीन एओडी स्क्रीन पर देखने को मिलता है, और लॉक स्क्रीन पर जो विजेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस कलर में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सेम कलर आपको ईओडी में देखने को मिलता है। तो दोनों में आप लोगों को कस्टमाइज देखने को मिलता है, आपके ईओडी में मिलता है और आपके लॉक स्क्रीन में मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्सल वाले फ़ोन में यानी एंड्रॉइड 14 में कुछ इस तरह से मिलता है, और आप लोगों को हाइपर ओएस में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी कस्टमाइजेशन आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को पिक्सल वाले फ़ोन में यानी एंड्रॉइड 14 में दिखा दूँ यहाँ पर कि किस तरह से आप लोगों को कस्टमाइजेशन करना है, तो आप लोगों को अपने होम स्क्रीन पर यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पर आप लोगों को वॉलपेपर एंड स्टाइल में चले जाना है, और आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर चले जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ लॉक के फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। जो भी क्लॉक आपको पसंद हो सिंपली उसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और क्लॉक के साइज़ वगैरह को आप लोग यहाँ पर कलर और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। कलर की बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ इस तरह कलर आपको देखने को मिलता है, और डिफॉल्ट कर जाते हैं तो कुछ ये डिफॉल्ट कलर देखने को मिलता है आप लोगों को। और साइज़ में जाते हैं तो आप लोगों को दो साइज़ मिलता है, डायनामिक और स्मॉल। स्मॉल करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाता है यहाँ पर, और डायनामिक करेंगे तो जिस तरह से हमारे स्क्रीन की कंटेंट रहेगा, लॉक स्क्रीन की जो भी कंटेंट वगैरह रहेगा, तो उस तरह से आप लोगों को ये देखने को मिलता है क्लॉक। तो ये सारे क्लॉक के देखने को मिलते हैं। क्लॉक की कलर को चेंज कर सकते हैं, क्लॉक के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हाइपर ओएस में कस्टमाइजेशन को सेट करने के लिए, लोकेशन कस्टमाइजेशन को सेट करने के लिए आपको अपने लोकेशन पर चले जाना और वहाँ पर आप लोग को लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करते कुछ इस तरह की आप लोग को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर रखा है तो उसकी प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आप लोगों ने सेट कर रखा है। या फिर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो क्लासिक में आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉल करेंगे रोमबस में भी आप लोग को टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं, और हर टेम्पलेट में आप लोग खुद की भी कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और मैगजीन में जाते हैं तो कुछ इस तरह मिलता है। तो अगर मैं आप लोग को मैगजीन वाले यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। डेप्थ वाला इफेक्ट जो है, जो हमें आईओएस में के फ़ोन में देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है वो सामने आ जाएगा। देख सकते हैं
इसे इनेबल करेंगे तो टेक्स्ट पीछे चल जाएगा, इनेबल करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा डेफिनेटली। अगर आप लोग को वॉलपेपर पसंद नहीं है तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं यहाँ जाने के बाद। वॉलपेपर को साइज छोटा बड़ा करना तो वो आप कर सकते हैं। फिल्टर में जाएंगे तो आप लोग को फिल्टर की इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो आप लोगों को नथिंग के फ़ोन में यहाँ पर वाइब दिलाता है। तो डेप्थ इफेक्ट iOS की वाइब, फिल्टर नथिंग की वाइब, और जो एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है आप लोगों को, ये पिक्सल की वाइब आपको दिलाता है। तो पिक्सल की वाइब याद दिलाता है। तो किसी भी टेम्पलेट पे कस्टमाइज पे चले जाना है, वॉलपेपर फिल्टर डेप्थ मिलता है। यहाँ पर जो क्लॉक देखने को मिलता है उस पर टैप करेंगे आप लोग। अब जो कस्टमाइजेशन हमें पिक्सल एंड्रॉइड 14 में मिलता है, उससे भी नेक्स्ट लेवल की कस्टमाइजेशन हमें हाइपर ओएस में मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ प्रीव्यू हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं जो कुछ हमें सेट करना है, आपको कहाँ पर क्या ऑप्शन रखना है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, डेट की फॉर्मेट क्या होगा वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वेदर की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, वेदर वाले सेक्शन में क्या रखना है, किस तरह से आप लोग को प्रीव्यू यहाँ पर डालना है, वो सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग कोई भी सीन वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप लोग को बोलूँगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और आप लोग को डन कर देना है। और कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर चले जाना है आप लोगों को, और कोई सा भी कलर आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कलर चूज़ करने के लिए, और यहाँ पर कलर को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और सेकेंडरी कलर में जाएंगे यहाँ पर तो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और सेकेंडरी कलर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद अप्लाई करेंगे और लॉक करेंगे फ़ोन को, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें AOD स्क्रीन देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन कस्टमाइज मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से किसी कस्टमाइजेशन आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड्रॉयड 14 पिक्सल वाले, या फिर आप लोगों को हाइपर ओएस, इसमें भी एंड्रॉयड 14 देखने को मिलता है। तो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि हाइपर ओएस में ज़्यादा कस्टमाइजेशन और फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। बाकी कमेंट में बताइए कि हाइपर ओएस से आप किस डिवाइस की कंपैरिजन चाहते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पर पिक्सल की कंपैरिजन आप लोग करके दिखा दिया, iOS, नथिंग, वन UI की सैमसंग, तो किससे चाहते हैं वो कमेंट में बताइए। अगली वीडियो ज़रूर मैं लेके आऊँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो।